दोस्तों, छुट्टी में आप सबको बताने वाला हूँ घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कैसे करते हैं। तो फिर से आप भी जहाँ चाहते सीखना चाहते हैं घर बैठे आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप भी अपना आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको पैसा भी नहीं लगेगा। कैसे करना है स्टेप बाई स्टेप आप सबको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह और भी हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को सुदवा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको माय आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएं। इसका लिंक फ्रेंड्स दे सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। आपको और नीचे आना है और फ्रेंड्स जहां पर लिखा हुआ चेक आधार वैलिडिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाला है और फ्रेंड्स इसके नीचे कैप्चा कोड डाला है जो यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। इसका फ्रेंड्स आपको नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वेट करना है। इसके बाद आपके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर का अंतिम का 3 नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, अपना आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है। दोस्तों, मैं आप सबको प्रोसेस को बता रहा हूँ कैसे आपको अपना आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करना है घर बैठे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है IPPB कस्टमर। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टाइप करना है IPPB कस्टमर। इसके बाद आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स सबसे पहला जो लिंक मिल रहा है IPPB कस्टमर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और दोस्तों, यहीं से आप आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए प्रोसेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आ जाना है और फ्रेंड्स जहाँ पे लिखा हुआ है आधार मोबाइल अपडेट, तो फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यानी कि इसको टिक करना है। इसका फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डाला है और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डाला है। और फ्रेंड्स इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डाला है। फ्रेंड्स ध्यान देना है, फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डाला है जो मोबाइल नंबर को आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपको नए वाले नंबर को यहाँ पे डाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाला है और फ्रेंड्स इसके नीचे आपको अपना फुल एड्रेस डाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दिया गया है, इसमें आपको अपना एड्रेस डाला है। और इसके नीचे फ्रेंड्स आपको अपना एरिया का पिन कोड डाला है और फ्रेंड्स इसके नीचे यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। और इसके नीचे फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट। फिर इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को टिक करना है और इसके नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा जो दिखाया गया इमेज में, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालना है। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप कैप्चा को रिप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपना सभी डिटेल यहाँ पे डाल दूँ। इसी तरह से आपको भी अपना सभी डिटेल डाल देना है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को मैं टिक कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं कैप्चा को भर दिया हूँ। फिर आपको नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इस बार फ्रेंड्स आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल, यानी कि फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसका फ्रेंड्स आपको एक हफ्ते तक वेट करना है। फ्रेंड्स एक हफ्ते के अंदर आपके घर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एक पर्सन आएगा और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करके जाएगा। तो फ्रेंड्स यही तरीका होता है आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।